एनसीसी नौसेना इकाई ने मेनू 2023 के तहत बिलासपुर की गोविंद सागर झील में 10 दिवसीय नौकायन प्रशिक्षण शिविर के दौरान लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय की। इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान जहां एनसीसी कैडेट्स से नौकायन की बारीकियां सीखी, वहीं कैडेट्स ने लोगों को नशे एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक किया। यह जानकारी शिमला एनसीसी के ग्रुप कमांडर रोविन ने दी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ व हिमाचल के लगभग 60 कैडेट्स ने भाग लिया। एनसीसी नौसेना इकाई के ग्रुप कमांडर रोविन ने कहा कि एनसीसी के पूरे देश में लगभग 17 निदेशालय हैं। इन सभी निदेशालयों के तहत इस तरह की गतिविधियां आयोजित होती हैं। इस अवसर पर एनसीसी कमांडर देवाशीष गुहा, प्रशिक्षण अधिकारी शिमला ग्रुप अभिषेक चतुर्वेदी व राहुल सहित अन्य प्रशिक्षण अधिकारी मौजूद थे। ये कंपटीशन ऑल इंडिया कंपटीशन होता है और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब की ट्रॉफी जो है दी जाती है ऑल इंडिया लेवल पे। तो हमने अपना कंपटीशन का तैयारी करके कैडेट्स को यहाँ पे, नेवल कैडेट्स को यहाँ पे बुला के कंपटीशन का पूरा हमने अपना एक्सपीडिशन कंप्लीट किया है। इसी तरह सारी डायरेक्टरेट जो पूरी इंडिया में एनसीसी की डायरेक्टरेट्स हैं वो भी अपना अपना एक्सपीडिशन कंप्लीट करके अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब की ट्रॉफी फिर बेस्ट यूनिट को दी जाएगी ऑल इंडिया। इस हमारे एक्सपीडिशन में 36 बॉयज एंड 24 गर्ल्स कैडेट्स ने पार्ट लिया है जो कि हमारी नेवल यूनिट्स के हैं। ये नेवल यूनिट्स पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नेवल कैडेट्स की यूनिट्स थी और इन यूनिट्स से ये बच्चे 60 बच्चे जो हैं ये सिलेक्टेड, बहुत सारे बच्चों में से सिलेक्टेड बच्चे थे जो कि सबसे एडवेंचरस, सबसे एंटरप्राइजिंग और जो सेलिंग करना चाहते थे। इस एक्सपीडिशन का बहुत अच्छा परिणाम रहा है। लड़कों ने और लड़कियों ने दोनों ने मिलके साथ साथ हर एक एक्टिविटी में भाग लिया और बहुत अच्छा अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस दिया।